अब कल से ना खेतों में तो नहीं आएगी, घर पे जाएगी और घर से स्कूल जाएगी, ठीक है ना? देखा तो ये यार भाई कल रक्षाबंधन है और मेरे पास एक रुपए भी नहीं है, जो 5000 रुपए का लौटा ही नहीं। एक छोटे से गांव में एक भाई बहन रहते थे। उन दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था और वो सारे काम साथ में मिलजुल के करते थे। मैं काम करती हूँ, उनके लिए खाना बना जाती हूँ। पर यार अगर स्कूल के लिए लेट हो गए तो सर बोर्ड अटेंगे। एक काम करती हूँ, फटाफट से तैयार होकर के जल्दी से खेत में चल जाती हूँ। अरे छोटी तू पागल है क्या? तू मना क्या सुबह सुबह खेतों में आने के लिए? स्कूल लेट नहीं होगी तू? चल तू इधर पहले मेरे साथ। तुम मना किया ना खेतों में आने के लिए? भैया आज भी आप खेतों में फिर से जल्दी आ गए और खाना नहीं लेके आए, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेके आई। अरे मैं खाना खा लूंगा, तू क्यों टेंशन लेती है मेरी? नहीं भैया आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो और काम के चक्कर में खाना खाना भूल जाते हो और ऊपर से आप घर लेट भी आते हो। अच्छा ठीक है बाबा, तूने खाना खाया? नहीं। क्यों? जब आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे पागल लड़की, इधर आ, ले खाना खा ले और जल्दी चल जाए स्कूल के अंदर, ठीक है ना? तू पहले ही स्कूल लेट जाती हो और डांट सुनती सरों से। नहीं भैया पहले खाना खाओ। अब कल से ना खेतों में तो नहीं आएगी, घर पे जाएगी और घर से स्कूल जाएगी, ठीक है ना? Good morning, sir. Good morning, dear students. Please sit down. बैठो बेटा। चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ साइंस में इंटरेस्टिंग टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सर ये लड़की कभी टाइम पे स्कूल में नहीं आती, हमेशा लेट आती है। मैं तो परेशान हो गया उससे, आज आप ही देखोगे इसे। इसको तो मैं देख लूंगा और आप अपनी क्लास में जाइए। हाँ तो बेटा मुझे ये बताइए कि आप स्कूल में टाइम पे क्यों नहीं आते हो, सच सच बताना आप।
सर मैं टाइम पे आने की पूरी कोशिश करती हूँ पर लेट ही होती हूँ। कैसे? सर मैं घर का पूरा काम करती हूँ फिर खेतों में और खाना खाने जाती हूँ। तो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर स्कूल पे टाइम पे आओगे तो तभी तो आप फट पाओगे। हाँ, जब ही आगे बढ़ पाओगे। हाँ सर मैं कल से पक्का जल्दी आऊँगी। है ना, आगे के लिए कोई ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए, सर आना नहीं चाहिए मेरे पास कि नया की शिकायत आ रही है, टाइम पे नहीं आ रही वो। सर मैं जल्दी आऊँगी आपसे। ठीक है बेटा, आगे के लिए ध्यान रखना, नहीं क्लास से आउट कर दूंगा मैं। ठीक है? ठीक है बेटा, जाइए कक्षा में। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बच्चे बैठ जाओ, कल से टाइम पे आएगी, लेट नहीं आएगी। ठीक है बेटा, टाइम पे आना। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अरे भाई इतनी कड़ी धूप में काम कर रहा है, थोड़ा आराम कर ले। अरे हाँ भाई आराम ही करूंगा, पहले ये काम खत्म कर दूं उसके बाद आ रहा हूँ। तू चल मैं आ रहा हूँ। चल ठीक है, आजा। ठीक है चल। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाच। और यार कल की तो राखी है, कल का काम आज ही करना पड़ेगा और घर जाना पड़ेगा जल्दी आज। हाँ यार कल की राखी है, कल हमको गिफ्ट भी खरीदने जाना। जल्दी जल्दी काम कर भाई, तू जल्दी जल्दी काम कर। अरे यार आज ये लोग इतनी जल्दी खेत में से क्यों जा रहे हैं? अरे भाई तुम लोग आज इतनी जल्दी खेतों से क्यों जा रहे हो? अरे भाई तुझे कुछ पता नहीं है? क्या नहीं पता? कल क्या है? अरे यार मैं दिमाग से नहीं, कल तो रक्षाबंधन है। हाँ और हम जा रहे हैं गिफ्ट खरीदने और मिठाई खरीदने, चलो हमारे साथ। अच्छा चले तुम, चलो भाई मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। ठीक है फिर जल्दी आना। ठीक है ठीक है। भाई उदास क्यों बैठा है, क्या बात हो गई मेरे को बता। यार भाई कल रक्षाबंधन है और मेरे पास एक रुपए भी नहीं है, मैं रक्षाबंधन कैसे मनाऊंगा? भाई तेरे को पैसे चाहिए ना? हाँ भाई। तो चल मैं तुझे अपने शेठ जी के पास लेके चलता हूँ, वो तेरे को पैसे भी दे देंगे और मेरे शेठ जी बहुत दयालु है। सही बता। हाँ चल भाई। चल भाई चल। नमस्ते शेठ जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ चुम्मी लाल? शेठ जी थोड़े पैसों की जरूरत थी बस इसलिए आए। तेरे को चाहिए क्या? नहीं शेठ जी मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरा दोस्त है मोहित, इसको चाहिए। अच्छा तुझे रक्षाबंधन के लिए पैसे चाहिए? तूने पिछले महीने में पैसे लेके गए थे खेत के बीज के लिए, जो 5000 रुपए तो लौटा ही नहीं। क्या है ना शेठ जी, अभी अनाज की बोरियां बिक्री नहीं है, अगले महीने में जो भी अनाज बिकेंगे उससे आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। ऐसा कर मोहित, तेरे जमीन के कागज लिया तू, मतलब गिरवे रखने के लिए, फिर पैसे ले जा और तेरे पास पैसे आ जाए ना जब तेरे जमीन के कागज ले जाना। ठीक है ना चुम्मी लाल? भाई यार तू टेंशन मत ले, भगवान सब ठीक कर देगा। भाई कल रक्षाबंधन है और मुझे मेरी बहन को तोहफा भी देना है, मैं कहाँ से लेके आऊंगा उसके लिए तोहफा? चल तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ, तू यहीं पे रुक। भगवान मेरा सबने साथ छोड़ दिया, बस आप ही का सहारा है भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, आप ही मेरी मदद कर सकते हो भगवान।
आपसे एक बात पूछनी थी। क्या? आपकी नज़र में कोई किसान है कि मुझे अनाज की बोरी लेनी थी? नहीं भैया, मेरे को नहीं पता। भैया आपको अनाज चाहिए ना? हाँ चलो आप मेरे साथ, मैं आपको किसी से मिलाता हूँ। मोहित मोहित, अरे बाहर चल। क्या हो गया? अरे आ, अरे तेरे को कुछ दिखाता हूँ, आ जल्दी आ जल्दी। मोहित ये सेठ जी है और इन्हें कोई अनाज खरीदना है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। तो तेरे पास जितने भी अनाज की बोरियां हैं तुम सेठ जी को भेज दे और तेरे को कुछ पैसों की मदद भी हो जाएगी। थैंक यू भाई। आइए सेठ जी, आपको मैं अनाज दिखाता हूँ। ये अनाज की बोरियां हैं और आपको देखने के लिए सैंपल। नहीं नहीं सही है, चलो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ ना। बाकी मैं माल ले जाने के बाद में कर दूंगा। मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया, वीर की अरदास वीरा। हेलो दोस्तों, गाइस आप सभी ने वीडियो देखी ली है, कमेंट में जरूर बताना आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कमेंट में बताना जरूर। और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज्यादा शेयर करना और प्यार देना। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।